नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है 25 आवर्स लाइफ। 25 आवर्स लाइफ ये कोड नेम है इसका, रुनवाल डेवलपर द्वारा अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम बाद में आएगा, अभी फिलहाल कोड नेम इनका 25 आवर्स लाइफ रखा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है थाने वेस्ट में मानपाड़ा एरिया में, घोड़बंदर रोड जो यहां से जा रहा है और बिल्कुल मेन रोड पे ही है, तो आज इसी 25 आवर्स लाइफ रुनवाल डेवलपर द्वारा जो बन रहा है इसके बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। आइए मैं दिखाता हूं किस टाइप का प्रॉपर्टी है, यहां का लोकेशन कैसा है, जो मैंने बोला है कि मेन रोड से कनेक्टेड है वो किस तरह का है। कनेक्शन पहले आपको कनेक्टिविटी देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसके प्रोजेक्ट का प्राइस डिटेल और सब कुछ मैं देता हूं आपको। पहले देखते हैं इस प्रोजेक्ट का लोकेशन, मॉडल, कुछ मैं आपको सैंपल फ्लैट ये सब दिखाता हूँ, इसका फ्लैट किस पैटर्न का रहेगा वो सब देखते हैं। थाने वेस्ट मानपाड़ा का रुनवाल डेवलपर द्वारा 25 आवर्स लाइफ का। अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा हूँ ये 2 BHK का प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं ये इसका फ्लोर प्लान है। अभी मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ किस टाइप का है, और फ्लैट के दिखाते के दौरान मैं आपको डिटेल भी बता दूँगा। ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये रुनवाल में रुनवाल डेवलपर हैं और थाने में ये बना रहे हैं, मानपाड़ा सर्कल है वहाँ पर, बिल्कुल मेन रोड पर ये डेवलप कर रहे हैं। 2 टावर एक्चुअली इनका 21 एकड़ का इनका लैंड पार्सल एरिया है, इसमें 9 टावर टोटल बना रहे हैं। बीच में एक 1.5-2 एकड़ का इनका एमिनिटीज़ है, ये इसका 3 से 4 फुट का बालकनी दिया है इन्होंने, 1.5 एकड़ का इसका लगभग 65,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस बनाया है, और चारों साइड से 9 टावर डेवलप किया है इन्होंने। अभी मैं पूरा फ्लैट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ किस टाइप का है। 45-स्टोरी टावर, 45 माले का एक टावर है, 2 टावर अभी उन्होंने लॉन्च किया है, 1x1 करके ये और भी टावर लॉन्च करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन है 25 आवर्स कोड नेम रखा है इन्होंने रुनवाल डेवलपर का। वैसे तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट इन्होंने किया है अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग जगह पर। ये 25 आवर्स जो मानपाड़ा सर्कल पे है थाने में, बिल्कुल हाईवे से लग के है, ये मेन रोड से लग के एकदम प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ पे अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना चाहते हैं तो भी बेस्ट है, ख़रीदना चाहते हैं तो भी बेस्ट है। अब मैं लिविंग डाइनिंग से आगे जब आता हूँ तो आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड पर आपको इसका कॉमन वॉशरूम मिलता है। यहाँ का मैं आपको क्या टाइप का पैटर्न है, फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं दिखा दूँ। ये आपको लास्ट में बाथ एरिया है, बीच में टॉयलेट एरिया है, और अंत में स्टार्ट में बेसिन एरिया है, और जब यहाँ से बाहर निकलते उसके पहले ही आपको बेडरूम मिलता है, कॉमन बेडरूम। तो कॉमन बेडरूम देखते हैं। 45 माले का और 55 माले का 2 टावर अभी इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक 6x6 का बेड डालने के बाद भी आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको एक स्पेस मिलता है, और ये आपको यहाँ से व्यू मिलने वाला है जो आप देख रहे हैं। फिलहाल तो ये सैंपल फ्लैट बना हुआ है तो ये बोर्ड लगा है, लेकिन आप जब हायर फ्लोर पे फ्लैट लेंगे तो आपको लगभग व्यू जो है पूरा का पूरा ऐसा ही हिल व्यू आएगा। आप एक बात ये समझ लें कि 4 तो इसमें पोडियम पार्किंग है। फर्स्ट लेवल जो फ्लैट आप लेते हैं फर्स्ट फ्लोर का, तो वो आपको मिलता है 5th फ्लोर पे। तो 5वें माले से इसका पहला माला शुरू हुआ है, 1st फ्लोर शुरू हुआ है 5th फ्लोर से। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम किस टाइप का है, और इसका प्लस पॉइंट है कि ये एक वेंटिलेशन आपको हर एक फ्लैट में दिया जाएगा, ये पहला वेंटिलेशन है। और दूसरा, जब यहाँ से आप मास्टर बेडरूम में एंट्री करते हैं तो ये इसका दूसरा वेंटिलेशन है, और ये पूरा इसका बड़ा मास्टर बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं एक बड़ा बेड डालने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। वैसे भी रुनवाल डेवलपर हैं तो आप ये समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं, इनका काफ़ी जगह नाम इन्होंने अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, मुंबई, मेन मुंबई में भी काम इन्होंने किया हुआ है।
तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कभी भी ये कस्टमर के लिए बेस्ट ही देते हैं। ये सामने इसका वार्डरोब है, स्टडी टेबल है, टीवी यूनिट है, ये सब उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया है। आपको जो मिलेगा रॉ फ्लैट मिलेगा, ये इतना फर्नीचर नहीं देंगे करके आपको। और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। टोटल 21 एकड़ में लॉन्च किया है, काफ़ी बड़ा लॉन्च है इनका। ये बनने के बाद पूरा का पूरा अपने आप में टाउनशिप बन जाएगा ये 21 एकड़ में। दोस्तों इतना डिटेल तो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, और भी कुछ डिटेल चाहिए या प्रॉपर्टी खरीदना हो तो आप हमें फ़ोन करें। और टेंटेटिव प्राइस तो मैं आपको दे दूंगा, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल इसका डिस्काउंट स्कीम ऑफ़र क्या है वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से आप फ़ोन करें तो आपको हम प्रॉपर गाइडेंस कर पाएंगे, उसमें भी मैं और मेरी टीम पूरी आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, स्टार्ट टू एंड सर्विस देने के लिए। क्या यहाँ का बॉटम प्राइस है, क्या क्या डिस्काउंट है, क्या ऑफ़र है, क्या स्कीम है, क्या सर्विसेज है, वो सब कुछ हम उसमें डिटेल देंगे। दोस्तों थाने का आप देखें तो हार्ट ऑफ थाने एक प्राइम लोकेशन है ये। वैसे तो मैंने बेसिक सारा इन्फॉर्मेशन दिया है वीडियो में, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करें। हम फिर से स्टार्ट में आ गए फ्लैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये इसका मेन रोड है मानपाड़ा जंक्शन का, यहाँ से मैं आपको फ्लाईओवर दिखा रहा हूँ। और सामने आप देख सकते हैं ये घोड़बंदर की तरफ जाने के लिए रोड है, और ये 24 आवर्स लाइफ इसका मेन गेट है रुनवाल डेवलपर का, जो मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया है। और ये पूरा अंदर का एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हैं 21 एकड़ का इसका 21 एकड़ का लैंड पार्सल है रुनवाल 25 आवर्स लाइफ। बहुत ही प्राइम एंड हॉट लोकेशन है, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अगर लेते हैं तो भी प्रॉपर्टी आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों ये मैं आपको इसका मॉड्यूल दिखा रहा हूँ, ये एक 45 स्टोरी है और 55 स्टोरी है। बीच में देख सकते हैं आप सारी एमिनिटीज़ दिया हुआ है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस का। और ये जो स्क्वायर स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये टावर है। तो ये चारों साइड से आप देखें तो 9 टावर है, टोटल 9 टावर है। ये 3 टावर है और ये सामने है आपको 9 टावर। बीच में 1.5 एकड़ का इसका क्लब हाउस है, और ये इसका बाहर के साइड से एंट्री दिया हुआ है हर एक बिल्डिंग का। ये देखते हैं एंट्रेंस लॉबी है इसका, और 9 टावर साइड साइड से दिया हुआ है। और ये आपका घोड़बंदर रोड, आपका ये घोड़बंदर रोड है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन है। आप देखें तो 21 एकड़ का पूरा प्लानिंग है इनका, 21 एकड़ का। और ये बिल्कुल मेन रोड, मेन हाईवे है ये, और हाईवे पे ही ये टावर बना हुआ है, ये बिल्डिंग बन रहा है। तो ये मैं आपको, आप एक बार देख के रुनवाल का ये ब्यूटी समझ सकते हैं किस टाइप का बिल्डिंग आने वाला है। और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए पूरी सर्विस देगी। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाया है रुनवाल डेवलपर्स का, उसका मैं डिटेल बता दूं। कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता रहा हूं, रुनवाल में कोडनेम वीवाइस, माय सिटी फेस 1, रुनवाल कोंच, रुनवाल कोडनेम कोबट, रुनवाल पर्ल। रुनवाल का कई प्रोजेक्ट इनके बनाया हुआ है, कांजूर मार्ग, बोरीवली, अंधेरी, डोंबिवली, थाने, बहुत सारे जगह पे, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांडेड, बहुत बड़े बिल्डर हैं ये, कोई छोटे मोटे बिल्डर नहीं है। जहाँ पे भी काम करते हैं इनका ज्यादातर प्रोजेक्ट देखें तो लॉन्चिंग पे ही सेल हो जाता है। एक अच्छा अपने आप में इन्होंने रेपुटेशन भी क्रिएट किया है मार्केट में रुनवाल डेवलपर ने। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें 25 आवर्स लाइफ का, तो इसमें 21 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, 50-50 माले का टावर है, टावर बी और सी अभी ये सेल कर रहे हैं। ईच फ्लोर 10 फ्लैट, 7 लिफ्ट और 2 स्टेयर के से, टावर C1 में ईच फ्लोर 6 फ्लैट, 6 लिफ्ट और 2 स्टेयर के से, बहुत ही लग्जरी तरीके से बना रहे हैं। मॉडल देखा है आपने, सैंपल फ्लैट देखा है तो आप समझ ही गए होंगे। सेलिंग जो कर रहे हैं B1 और C1 दो विंग सेल कर रहे हैं। एमिनिटीज फ्रंट साइड से ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे है,
ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे है और बेसमेंट एंड पोडियम पार्किंग सेकंड फ्लोर पे है। रेसिडेंशियल इसका टावर में फर्स्ट लेवल से ही शुरू हो गया है, पहले माले से ही। रेरा में आप देखें तो टावर B1 का और C1 का दोनों का अलग अलग रेरा है, तो टावर बी का P517000480270, टावर C1 का P517000480278, ये इसका दोनों का रेरा नंबर है। रेरा नंबर के थ्रू आप रुनवाल के सारे इस प्रोजेक्ट का डिटेल देख सकते हैं, क्या बनने वाला है, कितने माले की पासिंग है, क्या इसका साइज है फ्लैट का, किस टाइप का आने वाला है। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2027 है, दिसंबर 2027 है। बिल्डर का भी दिसंबर 2027 में ही एज इट इज बना के देने वाले हैं। ये लोग रेप्यूटेड बिल्डर जो होते हैं, इनका टाइमिंग का कुछ आगे पीछे नहीं, ये कन्फर्म करेक्ट टाइम पे ये बना के आपको दे देते हैं। दोस्तों सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है, सिटी व्यू और बैक साइड का आप देखें तो हिल व्यू का आपको ये फ्लैट मिलेगा। ज्यादातर इसमें हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। किसी भी बैंक में जिसमें आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, उसमें आपको SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, ICICI किसी भी बैंक से आपका लोन इजिली हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन पे जो बना रहे हैं 2BHK और 3BHK, 2BHK का जोड़ी भी अवेलेबल है इसमें, तो जोड़ी फ्लैट का भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें फोन करें। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। 2BHK का कारपेट एरिया इसमें तीन टाइप का कारपेट है, 565, 622 एंड 661, हिंदी में बता दूं 565 स्क्वायर फुट का, 622 स्क्वायर फुट का और 661 स्क्वायर फुट का। तीन साइज में इसका 2BHK है, जिसका प्राइस 79 लाख से 1,17,00,000 तक है। इसमें एक बेसमेंट या पोडियम पार्किंग आपको दिया जाएगा फ्लैट के साथ में ही। ये पार्किंग के साथ का प्राइस मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पोडियम पार्किंग का ही आप देखें तो करीबन 6-7 लाख रुपए की प्राइस हो जाती है, तो ये पार्किंग के साथ का प्राइस है। 3BHK का कारपेट एरिया 952 और 962 स्क्वायर फुट का है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 1,40,00,000 से लेके 1,76,00,000 के बीच में है। दो साइज है इसमें प्रॉपर्टी का और दोनों का प्राइस इसी दोनों के बीच में आएगा, और इसमें भी एक डेडिकेटेड पोडियम या फिर बेसमेंट पार्किंग रहेगा। ये जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये एक टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्राइस बताना मुझे अलाउ नहीं है। पहले के वीडियो में मैं काफी सारे एक्चुअल प्राइस बता दिया करता था, जिसके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। एग्जैक्ट प्राइस डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें हम आप पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आप खरीदने के लिए आएं, जिसके लिए हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, अदर चार्जेस वगैरह अलग से लगेगा आपको। एमिनिटीज 50+ हाई क्लास एमिनिटीज है इसमें, जिसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन जोन, मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, काफी सारा एमिनिटीज आप देख भी चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। कनेक्टिविटी यहाँ का जान लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाता है आपको। 2 से 10 मिनट 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप चितलासर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन, पेपर प्लेन प्री स्कूल एंड डे केयर, कार्मेल हाई स्कूल, गुरुकुल विद्यापीठ इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सेंट जेमियस इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, द किचन कल्चर रेस्टोरेंट, वाह मालवान रेस्टोरेंट, श्री साई हॉस्पिटल, सरिका हॉस्पिटल, भरत बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, आर मॉल, आइनॉक्स इंसिग्निया थिएटर, वेजिटेबल मार्केट, ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप, मंदिर, केमिस्ट, ये सब आपको 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से आप पहुंच जाते हैं। 10 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप थाने रेलवे स्टेशन, बालकुम मेट्रो स्टेशन, जोयो क्लब, विवियाना मॉल, मूवी मैक्स, वंडर मॉल एंड थिएटर, सूरज वाटर पार्क, टिकुजनी बाड़ी, ओलसेट लेक, उपवन लेक, दादोजी कोंडेव स्टेडियम, रेती बंदर बीच, सी शोर, न्यू पॉइंट, ओवर लेकर वाड़ी, बटरफ्लाई गार्डन, और आधे से एक घंटे के अंदर आप जोगेश्वरी केव्स, छोटा कश्मीर पार्क, बांद्रा किला, स्नो वर्ल्ड, कनेरी केव्स, पवई लेक, संजय गांधी नेशनल पार्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब आप रीच कर जाते हैं। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास, उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, सीपीस का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को, किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो आप डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा, कोई बीच में आर्गुमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है, कई
कई बार कस्टमर को लाइव जब मैंने बुकिंग कराया है तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है, आपको मालूम ही नहीं है, तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज पीएलसी ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना तो सीधा सीधा 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है, जिसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल 20 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है, लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के एबीसीडी के बारे में कि क्या चल रहा है, प्राइस वहां का, डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहां जाएगा और क्या होगा। दोस्तों किसी न किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहां का बॉटम प्राइस क्या है, वहां का स्कीम डिस्काउंट ऑफर क्या है, क्या वहां डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। हमारे सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है, ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK 3 BHK 4 BHK जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता तो कभी PLC नहीं रहता, ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत रहती है और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सके, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, आप उसमें फायदा कमा सके दोस्तों। और अगर आप ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको
आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने फायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, आप हमें जरूर हमारे इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजीशन तक, होम लोन तक सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।